नमस्कार, 7i न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमि, और आइए अब चलते हैं बुलेटिन की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर एक नए सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी नीत एनडीए बहुमत से 15 सीटें पीछे रह जाएगा। सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 257 सीटों पर ही जीत मिलेगी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। वहीं सर्वे के मुताबिक कांग्रेस नीत यूपीए को 146 सीटें मिल सकती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। सर्वे के मुताबिक सरकार बनाने में अन्य पार्टियों की भूमिका अहम होगी। सर्वे में अन्य पार्टियां 140 सीटें जीतती दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय संबोधन में कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, हम जल्द एक कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, अभी ये होता है कि दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भाग जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है। ये उसको सजा से बचने में मदद करता है। बहरहाल, आधार से जोड़ने के बाद आप भले ही अपना नाम बदल लें, लेकिन बायोमेट्रिक्स नहीं बदल सकते हैं। आप ना आंख की पुतली को बदल सकते हैं और ना ही उंगलियों के निशान को। आप जब भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए जाएंगे तो प्रणाली कहेगी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कमी या स्थिरता के बाद आज मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 और डीजल पर 8 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए 50 पैसे और डीजल 62 रुपए 24 पैसे की दर से बिक रहा है। कल एक लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 29 पैसे और डीजल की कीमत 62 रुपए 16 पैसे थी। कोलकाता की बात करें तो यहां आज एक लीटर पेट्रोल 70 रुपए 64 पैसे और डीजल 64 रुपए 1 पैसे की दर से बिक रहा है। घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट का प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बाजार में आई गिरावट है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के आधार पर होता है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का करीब 80% आयात करता है। संसद के शीतकालीन सत्र में राफेल डील पर भी हंगामे के आसार हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से राफेल, कावेरी जल विवाद समेत अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। मौजूदा संसद सत्र का कल आखिरी दिन है। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद हर रोज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं सरकार भी हर एक आरोपों पर जवाब मुखर होकर देने का दावा कर रही है। रविवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1,00,000 करोड़ रुपए का सरकारी ऑर्डर देने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे सदन में अपने बयान के समर्थन में या तो दस्तावेज पेश करें या फिर इस्तीफा दे दें। रक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस प्रमुख मुद्दों को पूरी तरह समझे बगैर ही देश को गुमराह कर रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच 37-37 लोकसभा सीटों पर बात बन गई है। यानी 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब सभी को कांग्रेस से रुख का इंतजार है। कांग्रेस अब तक चुप है, वहीं समाजवादी पार्टी ने हमलावर रुख अपना लिया है। कल पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ मिलकर आगामी आम चुनाव में बीजेपी को हराने में सक्षम है और इसके लिए कांग्रेस जैसी गैर जरूरी ताकत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने सैलरी बढ़ाए जाने की मांग करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वेतन से कोई सांसद और मंत्री अपना चुनाव क्षेत्र नहीं चला सकता है, उसके लिए अन्य उपाय भी करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद को 12 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन वेतन प्राइमरी के अध्यापक से भी कम है तो चोरी तो करनी ही पड़ेगी। बस्ती के जिला पंचायत सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि वेतन बढ़ाए जाने के संबंध में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा की है। कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी तारीफ की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव रखे हैं।
पन्ना की गुनौर कृषि मंडी में तुलाई के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि समय पर उड़द की तुलाई नहीं हो रही है। दलालों के माध्यम से समिति प्रबंधक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा तय किए गए वजन से ज्यादा अनाज तोला जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में समिति प्रबंधक और तहसीलदार से बात की गई तो वह मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। किसानों को बहुत ही दिक्कत आ रही है। छन्नक, पहली प्रॉब्लम छन्नक की है और दूसरी छानने के बावजूद भी जो अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा फिर डबल छनवाते हैं, बहुत परेशान किया जा रहा है उनको। और मेरे ख्याल से जो ये मशीन है ये एक है, और भी होती तो और दिक्कत हटती किसानों। अच्छा, जो उड़द छानने वाली मशीन है वो एक है। कहाँ से आए हैं आप अनाज बेचने? हम लोग बेली हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पप्पू कुमार चौधरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जेल मुख्यालय का रविवार को जेल मंत्री बाला बच्चन ने दौरा किया। जेल मंत्री जेल मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। जेल डीजी संजय चौधरी समेत तमाम जेल के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। जेल ब्रेक मामले की जांच पर बोलते हुए बाला बच्चन ने कहा कि सीमी जेल ब्रेक की जाँच पर दोबारा सरकार विचार कर सकती है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से दोबारा जांच करने पर चर्चा